सोशल मीडिया पर इन दिनों जेनेलिया डिसूज़ा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई ये कयास लगा रहा था कि ये जेनेलिया एक बार फिर से मां बनने वाली हैं। तो क्या सच में रितेश देशमुख और जेनेलिया एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं? क्या है इस पूरे खबर की सच्चाई, इसको लेकर के रितेश देशमुख ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये इन दिनों जेनेलिया डिसूज़ा का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में अपने पति रितेश देशमुख के साथ एक इवेंट में जेनेलिया स्पॉट हुई थी। इस दौरान जब दोनों ने कैमरे के सामने पोज दिए तो लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी कि एक्ट्रेस तीसरी बार मां बनने वाली है। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने पोज देते हुए अपने पेट पर हाथ रखा था और रितेश इवेंट में उनका ख्याल रखते हुए भी दिखाई दिए। ऐसे में लोगों ने ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि जेनेलिया एक बार फिर से मां बनने वाली हैं। वीडियो में जेनेलिया ने ब्लू कलर के ड्रेस को पहना है और काफी खूबसूरत भी दिखाई दे रही हैं। इसी बीच रितेश देशमुख ने अब इस खबर की सच्चाई से पर्दा उठाया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक स्टोरी शेयर की है। स्टोरी शेयर करते हुए उन्होंने एक स्क्रीनशॉट को शेयर किया है जो कि एक पोर्टल का है, जिस पर जेनेलिया डिसूज़ा की प्रेगनेंसी के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल रितेश ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उस स्क्रीनशॉट पर लिखा था कि क्या जेनेलिया डिसूज़ा प्रेग्नेंट हैं। जब वो अपने पति रितेश देशमुख के साथ पोस्ट दे रही थी तो फैंस ने उनका बेबी बम्प नोटिस किया। इस पोस्ट को शेयर करते हुए रितेश देशमुख ने पोस्ट के ऊपर लिखा कि मुझे 2 या 3 होने में कोई भी आपत्ति नहीं है, 2 या 3 होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य से झूठ है। इस तरीके से रितेश देशमुख ने ये पूरे जो खबर जो इन दिनों सोशल मीडिया पर फैल रही है, जो वीडियो फैल रही थी, उसकी सच्चाई बताई है। तो इस तरीके से रितेश देशमुख ने ये साफ किया कि जेनेलिया तीसरी बार मां नहीं बनने वाली है। सोशल मीडिया पर जेनेलिया डिसूज़ा की प्रेगनेंसी की खबर इन दिनों खूब जोरों शोरों के साथ चर्चा में थी। कुछ लोगों ने तो जेनेलिया और रितेश को इसके लिए बधाई देनी भी शुरू कर दी थी।